वेलकम स्टूडेंट्स, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा और इसमें ए और बी यानी जो आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होगा बेसिकली वो रियल नंबर्स होंगे। अब हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं जी स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये बात हम जानते हैं कि चलें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है ये इक्वल होता है जी -1 के। और इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आयोटा स्क्वायर है यानी 2 × -1 आ जाएगा +6 × अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, यानी यहाँ पर आयोटा क्यूब लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम इस तरह से नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख देंगे ताकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बेस पर फिर हम इसे आयोटा क्यूब बना दें। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो आयोटा यानी स्क्वायर जो है, चूँकि स्क्वायर की पावर अगर 8 ली जाए तो ये 16 आ जाता, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे जी आयोटा स्क्वायर और इसकी होल पावर आ जाएगी जी 8। ठीक। और 19, अब देखें 19 जो एक ऑड नंबर है जबकि 2 जो स्क्वायर एक इवन नंबर है। इस केस में हम ऐसा करेंगे कि 6 आयोटा लिख देंगे इनटू आयोटा पावर 18 लिख देंगे। अब देखें 18 और 1 ये यानी आयोटा पावर 1 ये ऐड होके 19 ही बन जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे 4 है आयोटा 25, अगेन वही बात आ गई कि आयोटा और आयोटा इंटू यानी सॉरी आयोटा इंटू आयोटा पावर 24 आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हम अगर इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाएं तो ये आयोटा पावर 25 हो जाती है। अब देखें जी यहाँ पर ये बनता है -2, ये बन जाएगा 6 × आयोटा × -1 यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने लिखी +3, यहाँ भी -1 आ जाएगा, इसकी पावर 8 आ जाएगी। इसी तरह -6 आयोटा इंटू यहाँ पर आएगा जी आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 9, चूंकि 2 9s are 18 होते हैं। और इसी तरह से +4 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर होल पावर 12 आ जाएगा। चलें जी अब इसमें इनकी वैल्यूज सब्सिट्यूट करते हैं। यहाँ पे -2 आ चुका है हमारे पास, यहाँ पर +(-6) आयोटा, यहाँ पे अगर आप देखें तो 3, -1 की पावर इवन होगी तो +1 जवाब आएगा, ये बात हम जानते हैं। इसी तरीके से -6 आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर आएगा -1 और इसकी होल पावर 9 जो कि एक ऑड नंबर है। इसी तरीके से 4 आयोटा इंटू यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी होल पावर 12, ये हमारे पास बन जाता है जी -2 -6 आयोटा, यहाँ पे आएगा +3 -6 आयोटा इंटू -1 की पावर 9 -1 के इक्वल होगी। और इसी तरह +4 आयोटा और -1 की पावर 12 जो कि एक इवन नंबर है, यहाँ पर हमारे पास जवाब आएगा जी +1। तो इस तरीके से ये बना -2 -6 आयोटा +3 +6 -(-) हो जाएगा जी 6 आयोटा, और इसी तरह +(+)+ ही आएगा जी 4 आयोटा के इक्वल। यहाँ से आप अगर देखें तो हमारे पास जो 6 आयोटा है वो इस 6 आयोटा से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर फिर हमारे पास -2 +3 1 आ जाएगा यानी 3 - 2 1 और +4 आयोटा। तो यहाँ से हमने समझा कि ये जो हमारे पास अब जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा चुका है, जिसको हम ए प्लस आयोटा बी की शेप में देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि हमारे पास जो ए है यानी रियल पार्ट है वो 1 है, और जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है जी 4 आ रहा है।